आज क्या हाल चाल है आप सभी के, मैं अमन। गाइस आज की जो ब्लॉग होने वाली है वो होने वाली है वेस्ट टू वेल्थ विदलैंड सेक्टर 54 नोएडा। तो गाइस चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग फिलहाल अभी पार्क के अंदर, चलिए देखते हैं अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। जो ये एरिया देख रहे हैं आप, ये पार्किंग एरिया है। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है इसमें बताया गया है कि ये पार्क 6 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया गया है लोगों के लिए, और इसको बनाने में 4.86 करोड़ की लागत आई है। गाइस ये जो है इस पार्क का खूबसूरती इस पुल के वजह से ही है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा पुल जो है, ये इसके वजह से ही ये पूरा मतलब जो पार्क है वो फेमस हुआ है ना। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, पूरा बनने के बाद तो गाइस ये बहुत ही सही हो जाएगा, बहुत ही सही। अभी से ये अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है ये पार्क देखने में। ये पार्क बहुत ही दूर है, ये पुल से ही पूरा इसका दिखता है ना। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये पूरा डिपेंडेंट है इस पार्क का, इस पुल के वजह से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है गाइस, मतलब दिल को खुश कर देने वाला ये पार्क है। आप भी अगर आए नोएडा अगर आए तो आप प्लीज़ यहाँ आकर के आप देखें, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अभी सामने देख रहे हैं ये प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।